नमस्कार मैं हूं गुंजन ग्रोवर और म्यूचुअल फंड रिव्यू सीरीज में आज हम एक मिड कैप म्यूचुअल फंड को रिव्यू करेंगे इस फंड की शुरुआत 2013 को हुई थी और पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड के द्वारा ऑफर किया जाता है हम बात कर रहे हैं पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड की इसके रेगुलर और डायरेक्ट ऑप्शन की इंसेप्शन डेट सेम है इस फंड के इक्विटी पोर्शन को मिस्टर अनिरुद्ध नाहा और मिस्टर विवेक शर्मा ज्वाइंटली मैनेज करते हैं और डेट पोर्शन को मिस्टर पुनीत पाल हैंडल करते हैं यह फंड निफ्टी मिड कैप वन फिफ्टी के अगेंस्ट बेंच है और इसके डायरेक्ट एक्सपेंस 0.46%। बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन जनरेट करना स्ट्रैटेजी जो इन्वेस्टर मैनेजर स्टॉक सिलेक्शन के लिए फॉलो करते हैं वो है टॉप डाउन एंड बॉटम अप दोनों अप्रोचेस वैल्यूएशन पैरामीटर्स जैसे कि प्राइस अर्निंग्स प्राइस टू बुक प्राइस टू सेल रेशियोस को कंसीडर किया जाता है कंपनीज ग्रोथ मार्जिन एसेट रिटर्न कैश फ्लो एक्सेट्रा को भी स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाता है इंडिविजुअल स्टॉक और कंपनी एनालिसिस में बहुत सारी चीजों पर फोकस किया जाता है जैसे कंपनी की हिस्टोरिकल एंड करंट फाइनेंशियल कंडीशन इसकी पोटेंशियल वैल्यू अनलॉकिंग और इसका अर्निंग ग्रोथ कैपिटल स्ट्रक्चर पर इम्पैक्ट नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द कैटेगरी मिक्स विच इज मिड कैप फंड मिड कैप फंड जनरली मिड साइज कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं कैटेगराइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंडर मिड कैप को अपनी एसेट्स का मिनिमम 65% मिड कैप कंपनीज के इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना होता है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ने गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मिड कैप स्टॉक्स में पूरे 2022 में 65% से ज्यादा ही इन्वेस्ट करके रखा 2022 में हमने जो वॉलिटिलिटी देखी तो उसे कोप अप करने के लिए फंड ने अपनी बाकी थर्टी एसेट्स को काफी डायनामिक वे से मैनेज किया मार्च टू के एंड में कैश होल्डिंग को वन के करीब लाया गया और जून टू टू के एंड में कैश होल्डिंग को अराउंड 8 परसेंट बढ़ाया गया और बाकी 2022 के सेकंड हाफ में कैश लेवल्स को मेंटेन रखा गया कैश होल्डिंग के अलावा फंड ने लार्ज और स्मॉल कैप के कॉम्बिनेशन में भी इन्वेस्ट कर रखा है फंड का एक्सपोजर स्मॉल कैप स्टॉक्स में 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में 23 थ्री परसेंट का अराउंड था इकोनॉमिक सर्कमस्टांस बिगड़ने की वजह से जब मार्केट की वॉलिटिलिटी बढ़ी तब फंड ने स्मॉल कैप के एक्सपोजर को ग्रेजुअली कम कर दिया और थर्टी फर्स्ट जन टू को फंड का स्मॉल कैप में एक्सपोजर अपनी एसेट्स के कम्पेरिजन में टेन के अराउंड था फंड स्नैपशॉट इस फंड का

सेबी ने म्यूचुअल फंड स्कीम को 2017 में डिफाइन और कैटेगराइज किया था यह जरूरी है कि सभी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में यूनिफॉर्मिटी हो लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स ये सब कैटेगराइज हुए हैं फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर लिस्टेड कंपनीज जिनकी रैंक वन से हंड्रेड के बीच है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर वो मार्केट कैप के हिसाब से लार्ज कैप कंपनीज हैं भाई वो लिस्टेड कंपनीज जिनकी रैंक 101 से 250 के बीच में है वो मिड कैप कंपनीज हैं और वो लिस्टेड कंपनीज जिनकी रैंक 250 के बाद है वो मार्केट कैप के बेसिस पर स्मॉल कैप कंपनीज हैं नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोर्टफोलियो एनालिसिस 7600 करोड़ के एयूएम के साथ ये एओएम के बेसिस पर टॉप 10 में से एक है लार्ज साइज फंड होने की वजह से इसके पोर्टफोलियो और डायवर्सिटी देखना है जो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कम करने में हेल्प करता है हाई पोर्टफोलियो चर्निंग होने की वजह से फंड के टॉप स्टॉक्स में काफी चेंजेस आए हैं जून टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के अकॉर्डिंग फंड की टॉप होल्डिंग थी बाय द एंड ऑफ एबीबी इंडिया एच डी एफ सी बैंक आईसीआईसी बैंक को पोर्टफोलियो से बाहर कर दिया गया और उनकी वेटेज कम कर दी गई और जनवरी 2023 में स्टॉक्स जैसे कि फेडरल बैंक तेजारे सेमिक्स कमिंग्स इंडिया की वेटेज बढ़ाई गई और लेट्स टॉक अबाउट द फंड सेक्टर एलोकेशन डेटा टॉप टेन सेक्टर्स नेट एसेट्स के अराउंड 67 परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टॉप थ्री सेक्टर्स में एक चेंज देखा गया जो था की केमिकल सेक्टर को बैंकिंग सेक्टर से रिप्लेस किया गया इस फंड में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का डोमिनेंट शेयर है इंडिया और चिमकिन इंडिया इस फंड की टॉप टू होल्डिंग्स है पूरे 2022 में और इन स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन फंड की नेट एसेट्स का अराउंड 8 परसेंट है अर्ली 2022 में सेक्टर्स विद वेटेजेस लाइक ऑटोमोबाइल 6 परसेंट कंस्ट्रक्शन टू एंटरटेनमेंट टू को जनवरी टू में पोर्टफोलियो में कोई जगह नहीं मिली स्कीम रिस्क मीटर अपने बेंचमार्क यानी कि निफ्टी मिट क्या टीआरआई की तरह ही इस फंड का रिस्क मीटर वेरी हाई है यानी इन्वेस्टर्स को यह ध्यान में रखना है कि उनका प्रिंसिपल अमाउंट वेरी हाई रिस्क पर है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस एनालिसिस इस फंड का पोर्टफोलियो काफी डायवर्सिफाइड है और स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया गया है तो चलिए देखते हैं कैसे इन फैक्टर्स ने इस फंड की परफॉर्मेंस में हेल्प की है लास्ट थ्री इयर्स में फंड ने 32.22 परसेंट का सीएजीआर जनरेट किया है इसके शुरुआत से अब तक ये फंड 18.35% परसेंट की एनुअल रिटर्न जनरेट कर पाया है स्टैंडर्ड ऑन नंबर अच्छे लग रहे हैं अब इसको इसके बेंचमार्क और पेयर ग्रुप से कंपेयर करते हैं हमने एक्टिव फंड में इन्वेस्ट किया है तो इस होप से कि फंड मैनेजर बेंचमार्क इंडेक्स से बेटर परफॉर्म करेगा But हम लास्ट में फंड मैनेजमेंट फी पे करते हैं सिर्फ हमारे फंड को मैनेज करने की पिछले एक साल में और इसके इंसेप्शन से फंड ने इसके बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप वन फिफ्टी से अंडर परफॉर्म किया है बट थ्री और फाइव ईयर्स के पीरियड में इसने इसके बेंचमार्क और स्टॉक मार्केट यानी कि निफ्टी टी को आउट परफॉर्म किया है इसकी इसके बेंचमार्क के कंपैरिजन में अंडर परफॉर्मेंस और आउट परफॉर्मेंस के डिफरेंस को समझते हैं इसके और इसके बेंचमार्क में अंडर परफॉर्मेंस गैप ज्यादा नहीं है जैसे इंसेप्शन से अब तक की परफॉर्मेंस में और इसके बेंचमार्क के रिटर्न में का डिफरेंस बट आउट परफॉर्मेंस का डिफरेंस काफी बड़ा है पिछले पांच सालों में फंड मैनेजर बेंचमार्क रिटर्न सेवन परसेंट के अराउंड ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पाया है और थ्री इयर्स के पीरियड की बात करें तो फंड मैनेजर ने इलेवन परसेंट के अराउंड एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट की है इस फंड में अगर आप इसके स्टार्ट होने पर टेन थाउजेंड की एसआईपी की करते तो वो आज बढ़कर ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू फोर लैक्स हो जाती जो कि की सेवन फोर जनरेट करती है लेट्स लुक एट ग्रुप रैंकिंग परफॉर्मेंस ऑफ ऑफ द फंड इन टू ग्रुप एज जो हमने परफॉर्मेंस में देखा वही सिमिलर रिजल्ट हमें पीयर ग्रुप परफॉर्मेंस में भी देखने को मिला बीजेआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज की परफॉर्मेंस पिछले तीन और पांच साल में वन ऑफ द बेस्ट थी ईयर के पीरियड की परफॉर्मेंस की बेसिस पर इसकी रैंक वन थी और थ्री इड की पीरियड की परफॉर्मेंस बेसिस पर इसकी रैंक टू थी हालांकि लास्ट वन ईयर की बात करें तो इसने इसके पीयर ग्रुप और बेंच दोनों से ही अंडर परफॉर्म किया है टॉक अबाउट द क्रिटिकल ज्यादातर हम लोग बस देखकर रुक जाते हैं कि फंड की ने कितनी जनरेट की है रिटर्न और हम हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी इसी नंबर के बेसिस पर करते हैं बट हमें इसके साथ ये भी देखना चाहिए कि फंड में कितना रिस्क इन्वॉल्व है और फंड के पोर्टफोलियो में कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिया है तो आइए कुछ क्रिटिकल रेशियोज को समझते हैं जो म्यूचुअल फंड में रिस्क एलिमेंट को डिफाइन करते हैं स्टैंडर्ड स्टैंडर्डियन यानी कि फंड के पोर्टफोलियो से टोटल कितना रिस्क अराइज होगा एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मेजरमेंट टूल है इस फंड की स्टैंडर्ड पॉइंट परसेंट है बीटा वो रेशियो है जो फंड के रिस्क को बेंच के रिस्क से कंपेयर करता है जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए यह माना जाता है कि अगर बीटा वन से कम है तो ये मार्केट के कम्पेरिजन में लेस रिस्क है और इस फंड का बीटा पॉइंट है जो ये इंडिकेट करता है कि फंड काफी लेस वॉलेटाइल है मार्केट के कंपैरिजन में शार्प प्रेशर फंड की रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैलकुलेट करता है सिंपल टर्म्स में बात करें तो यह हमें इंडिकेट करता है कि हर एक रिस्क यूनिट पर हम कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं इस फंड के केस में ये पॉजिटिव 1.33 टाइम्स है जो ये इंडिकेट करता है कि इस फंड के हर एक रिस्क यूनिट पर हम 1.33 टाइम्स एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं सो नाउ वी कम टू द कंक्लूजन इस फंड की मिड कैप स्पेस में अच्छी परफॉर्मेंस रही है एक्सेप्ट फॉर द लास्ट वन ईयर जहां इसने पेयर्स और बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है अ फेयरली वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जिसकी स्टॉक्स और सेक्टर्स की मैनेजमेंट काफी एक्टिव है ये इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट और मैक्सिमाइज करने में हेल्प कर सकता है हम आपको बता दें कि हम कोई भी फंड या स्टॉक रिकमेंड नहीं करते हैं एंड ऑल दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस डोंट फॉर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम चैनल साइनिंग ऑफ बाय बाय टेक केयर कीप काम एंड इनवेस्ट ऑन Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.